気配が変わった。全然तो हेलो गाइस, कैसा हो, लोग स्वागत है चार एक्सप्लेन में। तो चलिए हमारी एक और न्यू कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नाम है कि स्वर्ग के जो दानव होते हैं उनकी जिंदगी सामान्य नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो कहानी का लेखक हमें बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहार रहता था, और उस लोहार के पास अपनी खुद की एक दुकान थी जहाँ पर वह अपने हाथों से बने लोहे के बर्तन बेचता था। और हमें तरह तरह के सोने की चीजें और धारदार तलवार दिखाई जाती हैं। और एक दिन वह अपने हथियारों को KYRO के राज्यों में बेचने के लिए गया। वह काफी भाग्यशाली है, एक अंतहीन युद्ध के बीच यह उनके लिए अपना रुतबा बढ़ाने के लिए यह विश्वसनीय मौका था। एंड युद्ध के बाद उस लोहार को बेरन का पद प्रदान किया गया, और अब वे लोहार इस भूमि का स्वामी हैं। तो अगले सीन में हमें रोमन के फादर को दिखाया जाता है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि महामहिम्यू एक महाराज के पास में बैठे हुए होते हैं, और फिर उसका नौकर कहता है कि वह ऐसी कहानी क्यों सुन रहे हैं जो सब जानते हैं कुछ ही घंटे पहले। इसलिए आप मुझे बता रहे हैं कि मैं डिमिट्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ, और यह कायरो का साम्राज्य है जो समंदर महाद्वीप में है, और मुरीम नामक दुनिया मौजूद नहीं है। और फिर वह आदमी बोलता है कि हाँ, हालांकि वह बहुत उज्जवल नहीं है, यह मेरा पहली बार है जब मैं उसे दूर देख रहा हूँ। अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, और वह दो लड़के और एक लड़की होती हैं जो सोफे के ऊपर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, और वह आदमी सोचता है कि शायद वह नशे में है। मैंने सुना है कि वह इन दिनों अमीर बच्चों के बीच में लोकप्रिय हैं। हाँ, यदि वह हैं तो यह संभव है। तभी वह कहता है कि गुरुजी, आज आपकी मंगेतर लॉरेंस परिवार की महिला आ रही है, और बोलता है कि यह संभव से अधिक है, क्योंकि मास्टर रोमन ने अपने भाइयों के विपरीत 25 सालों से अपने कमरे में सड़ रहे हैं, और इसे डिमिट्री का मोरन कहा जाता है। और महाराजा बोलता है कि लॉरेंस परिवार की महिला लालित्य और शिष्टाचार का महत्व देती है, इसलिए पहले से तैयारी है, इससे महत्वपूर्ण कुछ है। और महाराज बोलते हैं कि मुझे इस भूमि के सबसे बड़े व्यक्ति के पास ले चलो, और उसका नौकर बोलता है कि हाँ। और महाराज बोलते हैं कि मेरे लिए यह महिला व्यक्ति का महत्वपूर्ण है, इस वर्तमान की दुनिया में कैसे रहना है यह जानने के बजाय किस तरह का कोई ऐसे कैसे कह सकता है जिसने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यह मुझे सेवक के रूप में पूरा करना होगा। और वह नौकर बोलता है कि समझ गया मास्टर, और हमें वर्तमान में दिखाया जाता है, और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे बस इतना ही पता है। और फिर राजा कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, यह एक बड़ी मदद थी। और राजा बोलता है कि मैं इसके लिए आपको बाद में पुरस्कार जरूर दूंगा। और फिर वह बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि आपसे बात करना ही एक सम्मान की बात थी। रोमन है, रोमन दिमित्री। और हमें एक लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका वास्तविक नाम बेग जोंग हुइक होता है। मुरीम के एक व्यक्ति के रूप में मैंने एक उग्र जीवन जिया, और जीवन में सब कुछ पूरा करने के बाद मैंने अपनी मृत्यु को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। और वे लॉर्ड कहता है कि लेकिन मैं किसी कारण वजह से रोमन डिमिट्री के शरीर में जा गया, क्या यह स्वर्ग की इच्छा है या स्वर्गारोहण? स्वीकार न करने के लिए यह भगवान की सजा है। और इसके बारे में वह बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं बोलता है। तो अगले सीन में एक मेल दिखाया जाता है जिसके अंदर लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही होती है। कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को पीट रहे होते हैं, और बोलते हैं कि कमीने बस कमबख्त मरो, और उस लड़के को इतने जोर जोर से पीटते हैं कि उसके सिर से खून बहने लग जाता है। और फिर वह पहलवान उस लड़के को कहता है कि यू फ्लिटी ब्रेड, और वह पहलवान उस लड़के के पेट पर और सिर पर लातों से वार करता है। और राजा के साथ आया हुआ आदमी बोलता है कि अरे, मेरा इस पल के लिए गुजर रहा है, आहा वह नुकीले टैटू हैं। और वह आदमी सोचता है कि क्या है वह, और वह कहता है कि गुरुजी, यह खून के नुकीले की तरह लगता है। और उसका गुरुजी कहता है कि खून के नुकीले, वह एक शुद्ध खोर समूह है जो न केवल दिमित्री की भूमि में आसपास के सभी क्षेत्रों में काम करता है। और राजा का सेवक कहता है कि ऐसा लगता है कि लड़के पर खून के नुकीले भारी कर्ज हैं, आइए ऐसे अभिनय करें जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं, पर्याप्त करने में कोई अच्छा नहीं है मास्टर। और फिर वे लड़के बोलते हैं कि विराम, स्टॉप, और फिर मास्टर उन लोगों के पास में जाता है। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Kira-k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 ira